मैंने तुमसे या फिर तुम्हारे घर वालों से किसी भी तरह का दहेज नहीं लिया है। अगर आगे चल के तुम्हारा मेरा डाइवोर्स होता है तो फिर तुम्हारे घर वाले मेरे ऊपर दहेज का केस फाइल नहीं कर सकते। ये लिखा है इस कॉन्ट्रैक्ट में, लो तुम इसको साइन करो। क्या, शादी से पहले ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कौन साइन कराता है? यार मैंने ना लव मैरिज के ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं कि जिसमें शादी के बाद ना आगे जाके दोनों की बनती नहीं है, उनका डाइवोर्स हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि मोस्टली लड़की के घर वाले ना लड़के के ऊपर दहेज का केस ही फाइल करते हैं। यार यश देखो, हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने टाइम से हैं और हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, हमारे बीच में ऐसे झगड़े कभी होंगे ही नहीं। फिर तो तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने में कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। देखो तुम ना बहुत ज्यादा बोल रहे हो, मैं ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाली। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, जब कोई नॉर्मल डाइवोर्स होता है तो उसमें पत्नी को पति की तरफ से एलिमनी मिलती है ना? हाँ मिलती है। तो ऐसे ही मेरे इस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि शादी के बाद एज अ घर जमाई मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा। जैसे एक नॉर्मल लड़की अपना घर छोड़ के लड़के के घर जाती है, तो उस केस में अगर तुम्हारे मेरे बीच कुछ होता है या डाइवोर्स जैसा कुछ होता है तो फिर मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी या फिर तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी का 50% एज अ एलिमनी मिलेगा। यश तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है या नहीं? तुम शादी कर रहे हो मेरे साथ या बिजनेस कर रहे हो? यार तुम मुझे एक बात बताओ, जब कोई ऑलरेडी बिजनेस चलता हुआ होता है और उसमें कोई नया पार्टनर एंटर होना चाहता है तो वो उसकी ऑलरेडी लगी हुई कैपिटल में से जो भी उसका हिस्सा बनता है वो उसको खरीदता है ना? हाँ। वैसे ही मैं तुम्हें एक तीसरा ऑप्शन देता हूँ जिसमें ये लिखा है कि तुम मेरे और मेरे पापा की जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसमें आज के रेट के अनुसार तुम 50% शेयर ले लो, और मान लो अगर इन फ्यूचर हमारी कोई लड़ाई होती है या फिर डाइवोर्स होता है तो तुम उस दिन को 50% का हिस्सा बेच के चले जाना। यार देखो मेरे दिमाग में ना कुछ भी नहीं घुस रहा है, क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? मुझे ना ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे लिए शादी नहीं मजाक है। मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, मेरे पापा ने मुझे खर्चा करके पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, और नौकरी करने के बाद मैंने इस प्रॉपर्टी में कुछ एड ऑन किया, और शादी करने के बाद मेरी गलती की वजह से कोई लड़की उनकी प्रॉपर्टी 2 मिनट में लेके चली जाएगी, तब वो क्या करेंगे? पर यार यही तो हमारा हक है और यही कानून है। यही तो दिक्कत है ना, हमारे देश के सारे कानून सिर्फ लड़कियों के हक में है। तुम्हें पता है जब भी डाइवोर्स होता है ना, लड़की चाहे कितनी भी डिमांड करे लड़के से, लड़के को अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के भी वो उसको देना ही पड़ता है, और सारी उम्र उसे मेंटेनेंस देना होता है वो अलग। यश एक बात बताओ, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? हाँ रिया मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ, और उसके लिए तुम मुझसे कोई भी कोरे कागज में साइन करवा लोगे मैं कर दूंगी, लेकिन ये तरीका गलत है। यार रिया मैं ना शादी से बहुत डरता हूँ। देखो यश मैं बाकी लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, और मैं आज के जमाने की इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, और मान लो इन फ्यूचर अगर हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम होती भी है तो मैं चुपचाप तुम्हें छोड़ दूंगी, एक पैसा नहीं लूंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपने दम पे अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। और सच बताऊ मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे पैसों से नहीं। थैंक यू रिया, तुमने ये बोलकर ना मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। पता नहीं यार मैं क्या ये कॉन्ट्रैक्ट क्या सोच के ये सब ले आया, प्लीज मुझे माफ कर दो। यार अच्छा हुआ तुमने मुझसे बात कर ली, वरना शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे से बात करते ही नहीं है, और जिसकी वजह से उनकी शादियों में दिक्कतें आती हैं। मेरा मानना है कि हर कपल को शादी से पहले एक बार बात जरूर करनी चाहिए।